दोस्तों, इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही मिडिल ईस्ट में लाल सागर से लेकर अरब सागर जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जिसमें एक तरफ इसराइल और अमेरिका है तो दूसरी तरफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला और यमन का हूती है, जो इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही संगठन बार बार कह रहे हैं कि वो इसराइल पर तब तक हमले नहीं बंद करेंगे जब तक कि गाजा में इसराइली सेना फिलिस्तीनियों पर हमले बंद नहीं करती। और इसी कड़ी में अब हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर इसराइली सैन्य अड्डों पर कई मिसाइल हमले किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि इनमें से कुछ सैन्य अड्डे इजरायली सेना के असेंबली एरिया थे, जहां पर आईडीएफ ने अपने बेस बनाए हुए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने अल रहब सैन्य अड्डे पर बुरकन मिसाइलों से हमला किया है, जबकि खरबत में उसने दो ईरानी फलक वन मिसाइल दागी है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने बिरकत रेशा के पूर्व में भी इजरायली सेना के असेंबली बेस पर सीधा मिसाइल हमला किया है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिजबुल्ला ही इजरायली बॉर्डर पर मिसाइल दाग रहा है, बल्कि इससे पहले इजरायल ने 2 जनवरी 2024 को लेबनान में घुसकर एक ड्रोन हमला किया था, जिसमें हमास का बड़ा कमांडर अल आरोरी मारा गया था। इसके अलावा इजरायल के ड्रोन हमले में हिजबुल्ला के सदस्य सादी मोहम्मद, अली जमाल और हुसैन हलाबी मारे गए थे, जिसके बदले में हिजबुल्ला ने इसराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्ला ने इसराइल पर जो ईरान की फलक वन मिसाइल दागी है, वो सतह से सतह पर मार करने वाली 240 मिलीमीटर की अनगाइडेंट मिसाइल है, जिसे ईरान ने 1990 में बनाया था। इसकी रेंज 10 से 11 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 50 किलोग्राम तक के विस्फोटक वॉर हेड्स ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को ट्रक, बोट या फिर जीप जैसे छोटे वाहन से भी दागा जा सकता है। साल 2006 में हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। और बड़ी बात यह है कि इन हमलों को लेकर हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि इजरायली सेना के जासूसी उपकरणों पर हमला किया गया है। इसके अलावा हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने ज़ेरॉक्स निर्माण के पास मिसाइलें दागी हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि लेबनान में इस्लामी प्रतिरोधी समूह क्रूर यहूदी आक्रामकता अमेरिकी पश्चिमी और कई अरब देशों की मिलीभगत है। दोस्तों, अब चारों ओर दुश्मनी से घिरे इसराइल ने बॉर्डर के पास सुरक्षा बढ़ा दी है। इसराइली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के खतरे को देखते हुए उत्तरी बॉर्डर के करीब 28 गांव को खाली करा दिया है, क्योंकि इसराइली सैनिकों ने कुछ लोकेशंस पर लेबनान के अंदर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से हमले कर दिए थे। ये हमले हिजबुल्ला के ऑपरेशन हेड क्वार्टर पर किए गए थे, जहां हिजबुल्ला के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। इस हमले की वजह से कई लोग खत्म हो गए। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद आईडीएफ के सैनिकों ने हिजबुल्ला के ऑपरेशन हेडक्वार्टर के पास, जो उसकी लॉन्च साइट थी जहां से हिजबुल्ला अपने रॉकेट मिसाइल लॉन्च किया करता था, इजरायली सैनिक ने वहां भी फायरिंग शुरू कर दी और हिजबुल्ला के सभी ठिकानों को अपना निशाना बना दिया। ये सब देखने के बाद हिजबुल्ला भी कहां चुप बैठने वाला था। इतनी जान और माल की हानि देखकर हिजबुल्ला भी पूरी तरह से बौखला गया, जिसके बाद इजरायली फौजी बॉर्डर के पास तैनात हुए थे। वहां पर इन लड़ाकों ने तबाही मचा दी, जिसके बाद आईडीएफ दोबारा सामने आया। इस बार इन्होंने न केवल हिजबुल्ला के ठिकानों को टारगेट किया, बल्कि कुछ सिविलियन इलाकों पर भी बमबारी कर दी। लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि सिविलियन इलाकों पर इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर हमला किया था या फिर वो गलती से हो गया था। क्या उन्होंने किसी डैम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था जो अमेरिका से इम्पोर्ट कराया गया था, जिसे शायद ये सोचकर फेंका गया था कि ये गाइडेंट होगा, मगर वो बम ऑन गाइडेंट साबित हुआ। इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि आईडीएफ के सैनिकों का ये कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्ला के जो मिलिट्री सेंटर हैं उन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन हिजबुल्ला के सिविलियन इलाकों पर हमने कोई अटैक नहीं किया। लेकिन चाहे ये गलती से हुआ हो या इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर किया हो, उनके बम गिरने की वजह से लेबनान के अंदर सिविलियन के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें एक औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसका हस्बैंड बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके चलते हिजबुल्ला को इजरायल की तरफ अपनी भड़ास निकालने का एक और मौका मिल गया। फिर इस तरह से उसने इजरायली सैनिकों पर अपने गुस्से को जाहिर किया। उसके बाद हिजबुल्ला ने एंटी टैंक जीएम और एंटी टैंक मिसाइल की बौछार कर दी, साथ ही इजरायल के पूरे नॉर्थ इन बॉर्डर पर बमबारी कर डाली। इस बार तो हिजबुल्ला ने इजरायल के सिविलियन के इलाकों को भी नहीं छोड़ा। नरसल्ला ने टेलीविजन के सामने आकर एक इंटरव्यू में इसराइल को वार्निंग देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर इसराइल ने हमारे सिविलियन इलाकों को एक बार और टारगेट किया तो हम भी इसराइल के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने में रत्ती भर नहीं सोचेंगे। नरसल्ला के बयान के थोड़ी देर बाद ही नॉर्थ इन इसराइल में सिविलियन पर वार होनी शुरू हो गई थी, जिसके चलते 8,000 यहूदी परिवार जो इसराइल में लेबनान के बॉर्डर के पास रहते थे वो तो पहले ही भाग चुके थे। साथ ही बचे हुए लोगों को भी यहां से जाने के लिए कह दिया गया। कहा जा सकता है कि इसराइल अब कई मोर्चों पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसराइल अपनी तैयारी काफी मजबूती के साथ कर रहा है। ऐसे में लेबनान बॉर्डर के पास मिलिट्री को तैनात कर दिया जाएगा और मिलिट्री भी वहां रहेगी। साथ ही मिलिट्री को साउथ गाजा से निकालकर नॉर्थ इन गाजा की तरफ भेजा जा रहा है, ताकि वो हिजबुल्ला को काउंटर कर सके। लेकिन अब भी हिजबुल्ला रुका नहीं है। उसने तेल अवीव और दूसरे इलाकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इसके अलावा कई इलाकों पर एंटी गाइडेंट मिसाइल और रॉकेट से भी हमला किया गया है, जिससे हर तरफ भूचाल मच गया है और हर तरफ भारी तबाही
तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यह हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। वहीं इसराइल अगर ताकतवर है तो हिजबुल्लाह भी उसे परेशान या टक्कर देने में पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जहां हमास एक छोटा सा संगठन होने के बाद भी इसराइल को उसने इतने दिनों तक मजबूर करके रखा था, फिर हिजबुल्लाह तो हमास से भी कई गुना ज्यादा ताकत रखता है, तो सोचिए इसराइल को हिजबुल्लाह कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइल की जो अभी सिचुएशन है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिविलियन की बात आ रही है। इसराइल ने जब गाजा पर बॉम्बिंग की थी तब बहुत सारे लोगों की जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन हमास के पास वो फायर पावर नहीं थी कि वो इसराइल के ऊपर हमला कर सके या उसके सिविलियन को मारकर अपना बदला वापस ले सके। ऐसा नहीं है कि हमास ने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने कोशिश की भी थी, लेकिन उसे अपनी भी जगह को डिफेंड करना था, अपने लोगों को बचाना था, उनकी मौत की गिनती को बढ़ने से रोकना था। इसलिए हमास के लड़ाकों ने अपना पूरा ध्यान अपनी सुरक्षा की तरफ लगाया, अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ाया, साथ ही सुरक्षात्मक नीति को मेंटेन किया। लेकिन हिजबुल्लाह के पास ये प्लस पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर जैसा इसराइल पर कोई हमला किया है या उसने अपने सभी लोगों को इकट्ठा करके इसराइल पर हमला बोला है। जिस तरह से इसराइल ने उसके सिविलियन को मारा, उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई में यह हमला किया, जिसके चलते हिजबुल्लाह को कोई गिल्टी फीलिंग नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में अगर दोबारा उसके सिविलियन पर हमला होगा या इसराइल उसके सिविलियन को टारगेट करेगा, तो उसके जवाब में फिर हिजबुल्लाह भी इसराइल के सिविलियन को टारगेट कर सकता है। अगर ऐसा हिजबुल्लाह ने करना शुरू किया तो इसराइल फिर से बच नहीं पाएगा, उसे अपने सिविलियन को मौत का मजा चखते हुए देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास बहुत सारी फायर पावर है और साथ ही उसके पास सियासी ताकत भी मौजूद है। उसके सैन्य शक्ति की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। वहीं अगर हम टैंकों की बात करें तो हमास और हिजबुल्लाह के पास करीब 757 टैंक मौजूद हैं, वहीं 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं। हालांकि आलमोर्ड व्हीकल कैरियर के मामले में हमास हिजबुल्लाह से आगे है। वहीं रॉकेट और एयरक्राफ्ट की बात करें तो हिजबुल्लाह के पास 1,305 रॉकेट लॉन्चर हैं, साथ ही उसके पास 85 एयरक्राफ्ट, 9 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के पास करीब 17 हेलीकॉप्टर और 62 से ज्यादा UAV हैं। आपको बता दें कि नौसैनिक बेड़े में हमास हिजबुल्लाह से आगे है। इसराइल के पास 67 नेवी बेड़े हैं, जबकि हिजबुल्लाह के पास 669 सैनिक बेड़े हैं। हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिलिशिया संगठन है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या इसराइल तैयार है हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए, जबकि इसराइल साउथ गाजा से हमास को खत्म नहीं कर पाया है। वहां पर लगातार हमास के लड़ाके इसराइली सैनिकों के फौजियों को खत्म कर रहा है, साथ ही इसराइल के टैंकों को भी अपने निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतने नुकसान के बाद भी क्या इसराइल हिजबुल्लाह से पंगा लेने के लिए तैयार है? वैसे अगर लेबनान पर इसराइल ने किसी तरह का वार किया या उसके सिविलियन को निशाना बनाया तो हिजबुल्लाह उसे छोड़ेगा नहीं, वो जितना भी हो सकेगा उससे और ज्यादा चोट इसराइल को पहुंचाएगा। अगर लेबनान और इसराइल के बीच लगातार जंग बढ़ती गई, जो कि हर दिन बढ़ी रही है, जब से युद्ध विराम खत्म हुआ है तब से लेकर अभी तक हिजबुल्लाह के अटैक की डेंसिटी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अब जिस तरह से युद्ध का आगाज हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ किया है, उसकी वजह से इसराइल की जान पर बनाई है। लेकिन दोस्तों, इसराइल का मकसद है हमास का खात्मा और हिजबुल्लाह ऐसा होने नहीं देगा। उसे बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो हमास के मुकाबले इसराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इसराइल अब हिजबुल्लाह पर वार करेगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।